स्पीकर कौमी असेंबली का सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर। अयाज सादिक को नवाज शरीफ का वफादार करार देना हकाइक के मनाफी है, रेफरेंस में मौकिफ। पाकिस्तानी मदर टेरेसा डॉक्टर रुतफाओ का सफरे आखिरत, सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च में आखिरी रसूमात अदा, रिक्कत आमेज मनाजिर, शुरका का खड़े होकर जर्मन डॉक्टर को खिराज अकीदत, तीनों मुसल्ला अफवाज के दोस्तों की सलामी, जर्मन डॉक्टर की 1 बजे गोरा कब्रिस्तान में तदफीन होगी। पाकिस्तानी कौम का डॉक्टर रुतफाओ को सलाम। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी, फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, अरशद वोरा और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की आखिरी रसूमात में शिरकत। पंजाब में सौग, कौमी परचम सरनगूं। फारूक सत्तार कहते हैं, डॉक्टर रुतफाओ के जाने से बहुत बड़ा खला पैदा हुआ, मिशन को आगे लेकर चलना चाहिए। डॉक्टर रुतफाओ के इंसानियत के लिए लाजवाब खिदमात, सारी जिंदगी पाकिस्तान को जजाम से पाक करने के लिए बसर कर दी। खिदमात पर सितारे कायदे आजम, हलाले इम्तियाज, हिलाले पाकिस्तान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। NA 120 में नून लीग की उम्मीदवार कुलसुम नवाज के कागजात नामजदगी चैलेंज, रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक देखे बगैर कागजात मंजूर किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर की अपलेट ट्रिब्यूनल को दरख्वास्त, यास्मीन राशिद की तरफ से भी नून लीगी उम्मीदवार के कागजात चैलेंज। पीपल्स पार्टी मानसेरा में पावर शो के लिए तैयार, बिलावल भुट्टो जरदारी आज जियालों का लहू गरमाएंगे, पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ आज लाला मूसा जाएंगे, रैली की गाड़ी तले आकर जा बहक होने वाले बच्चे के लवाहिकीन से ताजियत करेंगे। साबिक वजीर आजम के आमद से पहले अहले इलाका का मुजाहिरा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से अमरीकी जनरल जोसेफ की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात, पाक अमरीका तालुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आजम कोयटा पहुंच गए। पाकिस्तान से आने वाले कलदन तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक, तकरीबकारों के इरफान और नासिर के नाम से शनाख्त। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग, मौलाना फजल रहमान के पीर मौलाना अताउर रहमान जा बहक, मकतूल नमाज फजर के बाद बाहर निकले तो दहशतगर्दों ने फायर खोल दिया। लाहौर में पुलिस गर्दी ने एक और जान ले ली, 14 अगस्त को अहलकारों ने नौजवान को कलमा चौक अंडरपास से धक्का दिया, जुहेब 5 रोज के बाद जान की बाजी हार गया। वाकये में मुलव्वज़ 4 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू, वजीर आला शहबाज शरीफ की हिदायत पर खसूसी टीम पेशावर पहुंच गई। सूबाई वजीर से ख्वाजा इमरान नजीर भी कुछ देर में पेशावर पहुंचेंगे। परवेज खटक का खैराज तहसीन टीम के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। एसोसिएशन की हड़ताल, पेट्रोल पंपों को सप्लाई बंद होने से शहरी ख्वार
पाकिस्तान टैंकर्स एसोसिएशन की भी 21 तारीख से मुल्क भर में सप्लाई बंद करने की धमकी। बार्सिलोना में हमले का अहम मुश्तबा शख्स मूसा अबू कबीर पुलिस के हाथों मारा गया। वैन ड्राइवर अबू याकूब की तलाश जारी। दहशतगर्दी में हलाक होने वालों की तादाद 14 हो गई। जमीन पर ही जमीन की तबाही के लिए खतरनाक हथियार मौजूद। जमीन कीमियाई हथियारों का असलहा डेपू बन गई। सिर्फ रूस और अमेरिका के पास 13,800 कीमियाई हथियारों का जखीरा है। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। लड़कियों की तालीम के लिए खुसूसी इकदाम करना होंगे। मलाला यूसुफ़ज़ई का बर्मिंघम में तकरीब से खिताब। मुल्क भर में मवेशी मंडियां आबाद। कोई बकरा तो कोई छतरा खरीदने निकल पड़ा। किसी को है तगड़े बैल की तलाश। शहरियों का रेट महंगे होने का शिकवा। आजादी ट्रेन का मुल्तान में शानदार इस्तकबाल। शहरियों की ट्रेन के साथ सेल्फियां। दो रोज बाद अगली मंजिल के लिए रवाना होगी। ग्रीन एडम पॉल और आरिफ मिर्जा लाहौर पहुंच गए। आज एक्शन में नजर आएंगे। अकेलवी 66 बरस के हो गए। टूटे दिलों की आवाज आज भी पहले दिन जैसी सुरीली। तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। परेशान